हेलो स्टूडेंट, मैं तुम्हारी हिंदी टीचर अर्चना राय। आज तुम्हें व्याकरण से पाठ 5 उपसर्ग के बारे में समझाएंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग की परिभाषा देखो, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे दिखाई दे रहा लिखा हुआ है, अधिकतर उपसर्ग शब्द होते हुए भी शब्द नहीं होते, इन्हें शब्दांश कहा जाता है। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, ठीक है, या किसी सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। अब आगे देखो, हम लोग कुछ उपसर्गों के बारे में देखें। हिंदी भाषा में अधिकांश उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, परंतु संस्कृत के साथ साथ हिंदी के अपने उपसर्ग भी हैं। उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा का भी योगदान उपसर्गों में है, अर्थात हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा के भी उपसर्ग हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। देखो बच्चों, संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन हैं? अ, अन, आ, अनु, अव, अभि, अप, ये बहुत सारे उपसर्ग हैं और इनके अर्थ भी सामने दिया हुआ। जैसे और अन का अर्थ है निषेध, निषेधात्मक शब्द हैं ये, ठीक है। इसे देखो शब्द बना है, आदि शब्द है, उसके आगे अन उपसर्ग लगा तो हो गया अनादि। इसी तरह आ क्रमण, आ लगा आक्रमण। आहार, हार शब्द है, उसमें आ लगा दिया गया उपसर्ग तो आहार बन गया, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे शब्द हैं, इसको देखो संस्कृत के ये शब्द हैं, संस्कृत के ये सारे उपसर्ग हैं। कुल 23 उपसर्ग हैं संस्कृत के। जैसे 23वां उपसर्ग है संस्कृत का कु, कु माने बुरा। जैसे रूप शब्द है और उसके आगे कु उपसर्ग लग गया तो गया कुरूप, यानी खराब स्वरूप। कुकृत्य, गलत कार्य। कुपात्र, कुपुत्र, कुसंग, ठीक है। तो 23 उपसर्ग हैं। सु, जैसे देखो 22वां एक उपसर्ग है सु, सु माने अच्छा, सहज। कर्म शब्द है, उसके आगे सु उपसर्ग लग गया तो सुकर्म, अच्छा काम, ठीक है। इसी तरह से है बहुत सारा, इसको देख लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग तद्भव, देशी और विदेशी शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी के उपसर्ग कहाँ प्रयोग किए जाते हैं बच्चों? तद्भव शब्दों में, देशी और विदेशी शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इसका भी देखो है, अभाव निषेध से अलग, अछूत, अजर, अभागा, अमर, ये सब तुम्हें उपसर्ग दिखाई दे रहे हैं। अध, उन, नी, विन, भर, चौ, पर, इस तरह से 12 उपसर्ग हैं हिंदी के, 12 उपसर्ग हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं उर्दू फारसी के उपसर्ग। ऐन, कम, खुश, गैर, ब, बा, बद, इसके भी इसमें 14 उपसर्ग दिए गए हैं जिनसे अनेक प्रकार के शब्द बने हैं। जैसे तुम देखो, ऐन शब्द है, ऐन का अर्थ है ठीक, पूरा। वक्त एक शब्द है, वक्त माने समय, ऐन वक्त यानी ठीक समय पर, ऐन मौका, ठीक अवसर पर। तो ये सब शब्द बने हुए हैं उपसर्ग लगाकर। जैसे 11वां देखो, लिखा है ला, ला माने बिना। वारिस शब्द है, आगे दे दिया गया लावारिस, लाजवाब, लाचार। तो ये ऐसे शब्द हैं सब। अंग्रेजी के अवसर देखो बच्चों, अंग्रेजी के अवसर तुम्हें 5 दिखाई दे रहे हैं। तो इन 5ों शब्दों को मिलाकर कई शब्द बना हुआ है। ऐसे एक शब्द है, देखें, सब, सब माने अधीन, नीचे। जज शब्द है, सब जज, सब कमेटी, इस तरह से शब्द दिए हुए हैं। समझ में आया? तो उपसर्ग में हमने क्या जाना, उपसर्ग में जाना कि उपसर्ग क्या है।
उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी सार्थक शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता लाते हैं। यह कई प्रकार के हैं। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के, फारसी के और अंग्रेजी के। ठीक है बच्चों, और इसी से संबंधित बहुत सारे अभ्यास के प्रश्न हैं जैसा समझाया गया है। तो ये दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से उपसर्गयुक्त शब्द को छांटकर रिक्त स्थान में लिखिए। एग्जाम्पल दिया है, यदि कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो भी आप उसका सम्मान करें। तो इसमें कौन कौन शब्द हैं जो जिसमें उपसर्ग लगा है, तो व्यवहार शब्द के आगे लगा है दुर, सम्मान के मान के आगे लगा है सम। तो देखो तुम्हें एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है। सेकंड अभ्यास का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग लगाओ। जैसे एग्जाम्पल तुम्हें दिया गया, यदि तुम कल अदालत में गैर हाजिर रहे तो जज साहब एक तरफा फैसला सुना देंगे। बड़े बड़े महलों के यहाँ अव लगेगा, अवशेष, ठीक है, तो इसको देख करके भर लेना। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और एवं मूल शब्द अलग अलग करके लिखो। इसको लिख लेना, निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो शब्दों का निर्माण कीजिए। तो ये सारे कई उपसर्ग दिए हुए हैं, इनसे दो दो शब्दों में बनाना है। पांचवा है, शब्द में, यहाँ देखो ऊपर उपसर्ग दिया हुआ है, इसका शब्दों के साथ योग करके शब्द बनाना है। नीचे पांचवे में शब्द बना हुआ है, इसमें से उपसर्ग और शब्द को अलग करना है। तो बच्चों तुम अपनी कॉपी में करना, हर क्वेश्चन में से तुम्हें पांच पांच करना है, ठीक है। तो नीचे चौथे और पांच, चौथा तो पांच है ही, पांचवे में से पांच करना, 1 2 3 में से भी पांच पांच कर लेना, ठीक है बच्चों। तो ये तो तुम्हारा उपसर्ग हुआ। अब हम आगे देखते हैं प्रत्यय, लेसन प्रत्यय बेटा, पाठ छः को देखते हैं। पाठ छः प्रत्यय, देखो बच्चों प्रत्यय क्या है। अभी हमने पढ़ा उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी सार्थक शब्दों के आगे लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। अब हम प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय का डिफिनेशन देखो, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ क्या बताया जा रहा है बच्चों, कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता था, शब्दों के पहले, और प्रत्यय बाद में लग रहा है, ठीक है। जैसे एक शब्द है जलज, इसको अलग, शब्दों को अलग करो, जल माने होता है पानी और ज माने होता है जन्म लेने वाला। जल का अर्थ है पानी, ज का अर्थ है जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। अब हम आगे देखते हैं बच्चों प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के कितने भेद हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्रत्यय दो प्रकार के हैं। सबसे पहले कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो समझ में आया, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। अब हम देखते हैं कृत प्रत्यय क्या है, कृत प्रत्यय कहाँ लगता है। जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर संज्ञा विशेषण तथा क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। समझ में आया, जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर उसका स्वरूप बदल देते हैं, वो क्या बन जाते हैं शब्द, वो संज्ञा बन जाता है, विशेषण या क्रिया शब्द बन जाता है, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखो कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय पांच प्रकार के माने गए हैं। ध्यान से देखो बेटा, कर्तृवाचक कृदंत, कर्तृवाचक देखो क्या कहते हैं, कर्तृवाचक कृदंत किसे कहा जाता है, जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो
वह कर्तृवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे वाला शब्द है, वाला पढ़ने वाला, पढ़ना एक क्रिया है, ठीक है, आगे उसके वाला लगा दो तो हो जाएगा पढ़ने वाला, तो इसे कर्ता का बोध हुआ ना। दूसरा है कर्मवाचक, जिन प्रत्यय से बने शब्दों से कर्म का बोध होता है उसे कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। ना, नी, आना, जैसे पाल शब्द है, गा, खा, ये क्या है, धातु रूप है, पाल, गा, खा, इसमें ना लगा दो तो हो जाएगा पालना, गाना, खाना, ये क्या हो गया, कर्म हो गया, ठीक है। अगला हमारा है करणवाचक कृदंत। करणवाचक कृदंत, जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से क्रिया के साधन का बोध होता है, यानी क्रिया किसके द्वारा हो रही है, वे करणवाचक कृदंत कहलाते हैं। जैसे आ, झटका, झूला, ई, ऊ, झाड़ू, झाड़ू से क्या होता है, सफाई का काम होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जैसे बेलन, धौकनी, कतरनी, झाड़न, इससे क्या होता है, इसे काम किया जाता है, क्रिया होती है इसे। तो इन शब्दों में, इन शब्दों को कैसे बनाते हैं, करणवाचक कृत प्रत्यय लगा के। घ है यानी चौथा भाववाचक कृदंत, जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से भाव अथवा क्रिया के व्यापार का बोध होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे आव, आई, आप, आहट, आवा, ये सारे शब्द देखो दिखाई दे रहे हैं। अब ये बहाव, बह, बह क्रिया है बहना, उसमें आव लगा दिया गया तो बहाव, जैसे नदी का बहाव तेज है, यानी इससे क्या पता चल रहा है, नदी तेज बह रही है। चढ़ाव, खिंचाव, बचाव, ये सारे शब्द हैं, आवा लगा दिया तो बुलावा। पांचवा देखो क्रियार्थक कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण, संज्ञाएं, अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो शब्द या प्रत्यय, ता, या, कर, आ, ना, ते, तो ता प्रत्यय, चल धातु रूप है, क्रिया रूप, वह, इसमें ता लगा दिया तो चलता, यानी क्रियार्थक कृत प्रत्यय के लगाने से क्रिया में निरंतरता का बोध होता है, ये निरंतरता का बोध कराता है क्रियार्थक कृत प्रत्यय। तो ये हुआ पांच, तुम्हारा कृत प्रत्यय के पांच भेद कौन कौन हैं बताओ, कृत प्रत्यय के पांच प्रकार हैं। सबसे पहले है कर्तृवाचक कृदंत, दूसरा है कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा भाववाचक, पांचवा क्रियार्थक कृत प्रत्यय। अब आओ बच्चों तद्धित प्रत्यय देखते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या है, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। जैसे कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है, उसी तरह से यानी जिसके अंत में कृत प्रत्यय लगा है, और तद्धितांत क्या है, जिसके जिन शब्दों के अंत में तद्धित प्रत्यय लगा है वह तद्धितांत है, ठीक है। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, तद्धित प्रत्यय 10 प्रकार के माने गए हैं। तद्धित प्रत्यय 10 प्रकार के माने गए हैं। सबसे पहला देखो कर्तृवाचक तद्धित, जिनसे किसी कार्य के करने वाले का बोध हो, जैसे आर लगा दिया तो सुनार, लुहार, कहार, ठीक है, जैसे वाला, टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला, सब सब देखो दिखाई दे रहे हैं। क्या भाववाचक तद्धित, जिनसे भाव व्यक्त हो, जैसे आई, आहट, सफाई, भलाई, बुराई, ये सब दिख रहे हैं। संबंधवाचक, जिनसे संबंध का बोध होता है, जैसे आल लगा दिया तो ससुर, आल, ससुराल, ननिहाल। घ चौथा है लघुता का, जिनसे लघुता का बोध होता है, जैसे या और लगा दिया, जैसे लुटिया, लोटा शब्द है ना, लोटा शब्द में या लिया दिया, लगा दिया तो लुटिया हो गया, यानी आकार छोटा हो गया। डिब्बा, डिबिया। जैसे फिर पांचवा है गणनावाचक, जिनसे गणना का बोध होता है,
हरा लगा दिया एक हरा, दोहरा तिहरा, ला अगला पिछला पहला, वहाँ लगा दिया तो सातवां पांचवां सोलहवां, उसके बाद है तुम्हारा छठा। सादृश्यवाचक तथ्य जिनसे समता का बोध हो, लाल सा, नीला सा, पीला सा। गुणवाचक जिनसे किसी गुण का बोध हो, मैला, भूखा, प्यासा, देख रहे हो, विषैला, कसैला, धनवान, इस तरह से शब्द बनेंगे। फिर उसके बाद है आठवां स्थानवाचक तथ्य जिनसे स्थान का बोझ हो, ई लगा दो तो पंजाबी, बंगाली, गुजराती, कलकतिया, जबलपुरिया, मुंबईया, ऐसे शब्द हैं। उसके बाद है नवां स्त्रीलिंगवाचक तथ्य प्रत्यय जिनसे स्त्रीलिंग का बोध होता है, जैसे चाची, मामी, लड़की, नारी, सब सब देख रहे हो। और उसके बाद है लास्ट है बहुवचनवाचक तथ्य प्रत्यय जिससे बहुवचन का बोध हो, ए लगा देंगे किसी शब्द के पीछे, जब हम ए लगा दें तो वो बहुवचन हो जाएगा, जैसे माला शब्द है, मालाएं, कन्याएं, सड़कें, पुस्तकें, नहरें, ये शब्द तुम लोगों के लिखा भी था और देखा भी था। देखो अब ये पता चला ना ये शब्द कैसे बना, कन्याएं कैसे बना, बहुवचन तो लिखते थे लेकिन ये पता नहीं था कि ये कैसे बनता है। तद्धित प्रत्यय लगा है जैसे माला और ए जो है बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय है, इसको मिला करके तब मालाएं बना है, चूहियां, बेटियां, ये बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने प्रत्यय के बारे में देखा, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। कृत प्रत्यय 5 प्रकार का होता है और तद्धित प्रत्यय 10 प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद अभ्यास के प्रश्न हैं, अभ्यास के प्रश्न हैं, इनको भी हर प्रश्न में से 5-5 करना है। एग्जाम्पल दिया हुआ है शोभित को की लिखावट पढ़ी नहीं जाती, इसमें पहले दिया ना निम्नलिखित वाक्यों में से प्रत्यय शब्दों को रेखांकित करो, तो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है उसको अंडरलाइन करना है। दूसरा क्वेश्चन है कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर वाक्य भरो, मीठा का क्या होगा, मिठाई होगा, है ना, मेरे चचेरे भाई खेल और लड़कपन में, लड़कपन की शैतानी में सबसे आगे रहा करते थे, रामू के भोलेपन पर सब मुस्करा दिए, प्रेमचंद ने अपनी व्यक्तिगत दशा का वर्णन जीवन सागर में किया है, तो ऐसे शब्द हैं। ठीक है, तीसरा है कुछ शब्द दिए हुए हैं इनमें से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है, इसको कर लेना। चौथा है वाक्यों में प्रयुक्त रेखांकित पदों के स्थान पर आने वाले प्रत्ययुक्त शब्दों पर टिक का निशान लगाओ, सही का, तो इसको भी कर लेना। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों ने पढ़ा उसर के बारे में जाना और प्रत्यय के बारे में जाना। थैंक यू स्टूडेंट।